बीजेपी से बढ़िया टिकट मिला है क्योंकि जुझारू प्रत्याशी सही है। वजह वही है कि यहाँ पे जो जातिवाद एक कारण मुख्य कारण है बड़ा विधानसभा में। तो विकास तो हम लोग बोल गए ना, आम जनता तो विकास के लिए चाहता है कि विकास हो। देखिए उम्मीदें तो वही किसी से भी विकास का ही उम्मीद होता है कि जो भी विधायक हैं किसी भी विधानसभा से वो हर लोग खुश तो नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं नितेश। IBC 24 के खबर बेबाक में आप सभी का स्वागत है। खबर बेबाक का काफिला पहुंच चुका है भटगांव विधानसभा क्षेत्र में। भाजपा ने भटगांव विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े को मैदान पे उतार दिया है। ऐसे में क्या है जनता की राय, क्या जनता सोचती है उसको लेकर हम यह मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम चलते हैं मतदाताओं के पास। वो एक्चुअल में क्या है कि भाजपा प्रत्याशी थे लक्ष्मी राजवाड़ी, ठीक ना, उनके बारे में कोई जानकारी कुछ ज़्यादा तो नहीं है, बट भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया हुआ है, ठीक ना। अगर कांग्रेस से यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं श्री पासनाथ राजवाड़े जी, अगर उनको टिकट मिलता है तो ये मुकाबला बराबर की होगी। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, बाई द वे उनके अलावा किसी और को दिया जाता है टिकट कांग्रेस के थ्रू, तो फिर लक्ष्मी राजवाड़े जीत सकती हैं यहाँ से। अब वो जीतती हैं तो जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम आती हैं गांव के लिए शहर के लिए वो इम्प्लीमेंट करेंगी, यही उम्मीद रहेगी उनसे। अब अगर नहीं जीतेंगे तो फिर कहाँ से करेंगी। और जो मौजूदा विधायक हैं यहाँ से, तो वो एक्चुअल में क्या है कि जो भी विधायक हैं किसी भी विधानसभा से वो हर लोग खुश तो नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं कर पाए हैं, बहुत सारा कार्य उन्होंने किया है समाज के रुझान। देखिए एक्चुअली ये जो विधानसभा है भटगांव विधानसभा, ये रजवाड़े बेल्ट ज़्यादा है, तो उनका समांतर तो रजवाड़े की तरफ ही होगा ज़्यादा। अगर आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कांग्रेस के तरफ से पारसनाथ रजवाड़े जी को टिकट मिलती है तो ये मुकाबला बराबर की होगी। अगर पासनाथ रजवाड़े जी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो लक्ष्मी राजवाड़े जी यहाँ से विजयी हो जाएंगी। वजह वही है कि यहाँ पे जो जातिवाद एक कारण मुख्य कारण है भटगांव विधानसभा में। भटगांव विधानसभा में बाबूलाल चौधरी नाम हो गया। लक्ष्मी राजवाड़ी जी हैं ना, नए अच्छे हैं, उम्मीद है उनसे। अब अभी तो क्या कहा जाए, होने के बाद ही ना अच्छे रहेंगे, मतलब अच्छे रहेंगे। अरे मान लीजिए जैसे कि यहाँ बनना था, जैसे आपको ब्लॉक बनना था, ब्लॉक नहीं बन पाया, जो उतना दिन से लड़ रहे हैं हम लोग, जितने के बाद ही अब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनका काम रह गया ना। अच्छा करना चाहिए, करना चाहिए, अच्छा क्या करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे रोड है, बिजली है, सब तो ही है, मतलब ब्लॉक है यहाँ के लिए जैसे जरूरी है। नाम तो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं और ठीक ठाक महिला जो है काम अच्छा करेंगे। हाँ जानते थे बस, महिला मोर्चा के अध्यक्ष। बहुत चीज है, लोगों को बेरोजगारी से लेकर बहुत कुछ है। नहीं टिकट अब तो जीतने के बाद ना, तो रोड है, पानी है, बिजली है, ऐसे कमी है, उसका कमी तो विकास तो हम लोग बोल गए ना, आम जनता तो विकास के लिए चाहता है कि विकास हो। तो क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए क्या करेंगे। रोड का है थोड़ा सा लाइन, पानी का दिक्कत हो जाता है, ऐसे दिक्कत है, और ठीक है। ये पहले विधायक थे तो यहाँ तहसील उसे उठवा के वहाँ ले गए, ये सब गलत हो गया उसका, यहाँ रास्ता तो ठीक नहीं। मैं तो अभी पहली बार नाम ही सुना हूँ मैं, बाकी तो उतना जानकारी तो है नहीं। बाकी अगर भाई ऊपर के नेता अगर सोच समझ के रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, मतलब बाकी उतना जानकारी नहीं है। और पता नहीं काम करेगी तो पता चलेगा। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई जो भी बने, मतलब आपका इस क्षेत्र में मतलब काम उम हो, रोड वो काम हो, पानी उनी का काम हो, बस यही सब। भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारी है, लक्ष्मी राजवाड़े नाम है उनका, और अभी भाजपा में महिला मोर्चा पद पर रही थी, अध्यक्ष रही थी। और कितनी प्रगतिशील है और कितनी तेरताज है अब तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पहला मौका मिला है उनको। देखिए उम्मीदें तो वही किसी से भी विकास का ही उम्मीद होता है, हमारे क्षेत्र में विकास करें। भटगांव विधानसभा बहुत बड़ा है, जैसे हमारा दूरंचल क्षेत्र है, हमारा चांदनी बिहारपुर, आज आप वहाँ पर जाके देखिए, आज भी ग्रामीणों की सड़क जो है नहीं बन पाई है। हम लोग कभी कभी जाते हैं उस क्षेत्र में, घूमते हैं, किसी काम से चले जाते हैं, तो आपको ओड़वी से लेकर चांदनी बिहारपुर तक तो अभी रोड बन गई, लेकिन ग्राम के आप अंदर घुसिए तो एक पोशाक आपको गड्ढा मिलेगा। आज भी वहाँ विकास पीछे है। तो आम आदमी की राय यही है भाई कि भाई विकास होना चाहिए, विकास ही आम आदमी का राय है, चाहे कोई भी विधायक बने, किसी भी पार्टी का बने, हम आम आदमी को विकास चाहिए बस। मैं भटगांव विधानसभा 05 नंबर से बिलोंग करता हूँ जी। अभी सुनने में आया कि लक्ष्मी राजवाड़े जो सिलफिली साइड से एक महिला कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, जो अपना मत रखी हैं अपने भाजपा के जो पार्टी का चुनाव है उनको, उन्हें उम्मीदवार के रूप में अपना घोषित किया है। जैसे हम लोग सामान्य देख रहे हैं कि और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे टक्कर पे,
और उनको भी टिकट मिल सकती थी, लेकिन इस बार चुनाव महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ तो भाजपा ने एक नए नए युवाओं को मौका दिया था। शायद यही युवा रणनीति शायद छत्तीसगढ़ में भी भाजपा अपनानी चाहती है, इसीलिए नहीं प्रतापपुर विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी को चुने हो लोग, जो जिन्हें बहुत कम जनता जानते हैं लेकिन वो अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। वैसे ही सिलफिली क्षेत्र में भी जिनको एक उम्मीदवार के रूप में चुनी है जनता, वो भी एक अच्छा कार्य कर रही हैं महिला, जो बहुत जगह में प्रगतिशील हैं, इसीलिए उनको उतारा गया है। अब सभी तो स्टार्टिंग में नए चेहरे हैं, अब आने के बाद भी पता चलता है कि कौन किस तरह से अपना विकास करेगा। हम सब युवा जनता चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार बने एक अच्छा हम युवाओं का विकास करे, पूरे गांव समाज देश को अपने राज्य को लेके चले, ऐसे ही हमें विधायक की जरूरत है। यहाँ पे पहले बीजेपी भी और कांग्रेस भी यहाँ अभी शासन पे है, और पहले बीजेपी भी कार्य कर चुकी है, लगभग दोनों समान, दोनों जो उम्मीदवार हैं अपने विकास की ओर समान मुद्दे नजर में आते हैं। पारसनाथ रजवाड़ी भी है तो भी प्रगति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह उनका भी बोलबाला है। और अभी जैसे एक लहर चलता है चुनाव का, 5 वर्ष का रहता है, कभी अच्छे काम करने के बाद भी जनता उब जाती है तो कहीं पार्टी चेंज कर देता है, पलट देता है उम्मीदवार, तो ऐसा होता है। जैसे अभी भी चुनाव होते हैं, हम लोग न्यूज में देखते हैं तो अच्छे कार्य कर रही बीजेपी तो भी चेंज कर देते हैं वहाँ पे, और अच्छे कार्य कांग्रेस भी करती है तो उसको भी चेंज कर दिया जाता है उस उम्मीदवार को, तो लोगों के ऊपर है। और अभी जो हमारे 2 साल से कर रहे हैं शासन, लक्ष्मी रजवाड़े है उनका नाम, और उसे बहुत करीब से जानते हैं, वो जीत जाएगी तो विकास तो होगा यहाँ, क्योंकि दूसरे की तुलना में अच्छी है। बीजेपी से बढ़िया टिकट मिला है क्योंकि जुझारू प्रत्याशी सही है, अभी तो वर्तमान में ठीक काम नहीं किया है, कुछ तो ठीक है, विकास के मामले में तो अभी कुछ हद तक नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तो विकास हुआ है। तो आपने सुना, ये थी भटगांव विधानसभा क्षेत्र के जनता की राय। तो वहीं कुछ लोगों ने भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े को अच्छा उम्मीदवार माना है, तो वहीं कुछ लोगों ने पहचानने से भी इनकार किया है। वहीं अगर राजवाड़े समाज की बात करें तो वह अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव भटगांव के लिए बड़ा ही दिलचस्प होगा। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। नितेश गुप्ता, IBC 24, सूरजपुर।